नमस्कार साधकों, एक बार पुनः एक नई और दिव्य चर्चा में आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग सुमिरन करते हैं, सुमिरन कुछ लोग कहते हैं, कहीं सुमिरन कहते हैं, तो जब हम लोग सुमिरन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। आप देखोगे बहुत सारे संप्रदाय हैं जहां पर भक्ति को प्रधानता दी जाती है। ऐसे सारे संप्रदाय में सुमिरन का महत्व हिंदुजम में है, सिखिज्म में है, कई पंथों में है, इन्हीं धर्मों में विभिन्न पंथ हैं, राधा स्वामी संप्रदाय है, बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो सब में आप देखोगे कि सिमिरन का महत्व। हिंदुजम में जितने भी संप्रदाय हैं सब में सिमिरन का महत्व है, सिखिज्म में सिमिरन का महत्व है और बौद्ध जैन सब में सिमिरन का महत्व है, इस्लाम में सूफिज्म में भी सिमिरन का महत्व है। तो सिमिरन करने वाले बहुत सारे साधक हैं, लेकिन उनकी एक समस्या है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सुमिरन करते समय हमको पूर्ण आनंद, पूर्ण लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, सुमिरन कैसे करना चाहिए। तो आइए हम लोग वो तरीका बताएं जिससे आपका सुमिरन जो है ना आनंद की ओर ले जाए, आपका सुमिरन जो है सिद्ध हो जाए, दिव्य हो जाए, तो उसी पर हम लोग चर्चा करते। तो देखिए सुमिरन का मतलब होता है, सुमिरन मतलब याद करना, जप करना। सुमिरन का मतलब से सुमिरना, बार बार उसी चीज को रटना, याद करना, जपना। जो काम माला से किया जाता है, वासिक, वाचिक, उपांशु, उसी प्रकार से मानसिक, वाचिक, उपांशु, उसी प्रकार से सुमिरन में सिर्फ बोल बोल करके सबको सुना सुना करके सिमरन किया जाता है। सिमरन एक तो तरीका है कि लोग अकेले बैठ करके, कई लोग अकेले बैठ करके कोई हारमोनियम ले लिया, कोई ढोल ले लिया, कोई झाल ले लिया, किसी प्रकार से कर रहा है, अकेले कर रहा है, और कई बार समूह में, ग्रुप में किया जाता है। सुमिरन करने का मतलब होता है, सुमिरन करने से एक साथ कई चीजें मिल जाती है, ध्यान लग जाता है, शरीर की एनर्जी आ जाती है, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, नाम जप हो जाता है, आनंद हो जाता है, कई लाभ एक साथ प्राप्त किए जा सकते हैं सिमिरन में। तो सिमिरन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, तो आइए हम लोग बात करें, चर्चा को आरंभ करें। उससे पहले एक निवेदन, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। तो देखिए अगर आप घर में सिमिरन करते हो, एक तो है कि जो कोई सिमिरन करने वाले भी दो प्रकार के लोग, एक वो लोग हैं जो स्वतः ही घर में करते हैं और कुछ सिमिरन करने वाले लोग पेशेवर हैं, मतलब कि वो ठेका लेकर के या पैसा लेकर के सिमिरन करते हैं अपने जीव को उपार्जन करने के लिए। मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं कि पैसा लेना गलत है, भाई पैसा नहीं ले कैसे गुजारा होगा, लेकिन दो प्रकार के लोग हैं। तो जो पेशेवर हैं वो लोग के साथ में पूरी व्यवस्था होती है, तबला होता है, मृदंग होता है, ढोल होता है, तानपुरा, कैसियो, हारमोनियम, सब वाद्य यंत्र लेकर के लय ताल से, कभी राग भैरवी जा रहा है तो कभी सारंग वृंदावनी सारंग, कहीं कोई, कभी माल कोश, नाना प्रकार की जो राग रागनियां हैं उन सब राग रागनियों में वो गाते हैं और मदमस्त करते हैं लोगों को। एक तो ये साधक है, एक वो साधक हैं जो लोग सिमिरन के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है, वैराग्य ले लिए, उनको न पैसे से मतलब है, रुपए से मतलब, केवल सिमिरन कर रहे हैं। इस कौन में इसके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मीराबाई, ये सब सूर, ये सब जो है सिमिरन के उपासक थे। कलयुग के विषय में कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस काल में तो सुमिरन ही करना महत्व है, सुमिरन का ही महत्व है। तो आप समझिए कि सुमिरन कितना जरूरी है। आप घर में सुमिरन कैसे करें, तो प्रातः काल ध्यान कर लीजिए, नाम जप करते हो तो आप नाम जप कर लीजिए, उसके बाद आप कोशिश कीजिए घर में हारमोनियम हो तो ठीक है, ढोलक है ठीक है, बजाना आता है ठीक है, नहीं तो ताली बजा करके अपना प्रिय नाम, जो भी आपको इष्ट देवता है, राधा राम कृष्ण अल्लाह वाहे गुरु वाहे गुरु, हा? तो किसी प्रकार से जो भी आपके आदर्श वाक्य हैं
जो आपके आदर्श नाम हैं, उस नाम को पकड़ करके आधा घंटे एकदम मदमस्त होकर के ताली बजाते हुए, अगर हारमोनियम मृदंग कुछ आ रहा जो लेकर के आधा घंटे निरंतर रोज जाप कीजिए, आप देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। सिमिरन में बहुत पावर है भैया, सिमिरन में इतनी ताकत है कि आपके नसों नाड़ियों में खोल देता है। इन साधकों को ना कुंडलनी साधना की आवश्यकता है, ना ध्यान की आवश्यकता है, ना नाम जप की आवश्यकता है, ना किसी योग स्वाध्याय की आवश्यकता है। ये तो स्वयं सिद्ध साधक बन जाते हैं केवल नाम जप करने से, और कलयुग में तो यही एक आधार है। तो इस प्रकार से नाम जप करके सुमिरन करके आप ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान कर रखा जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, ताकि हम उस पर चर्चा करें। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप सुमिरन अपने इष्ट अपने मंदिर में ही करें, इससे मन बनता है। सब जगह नहीं, एक जगह नियत के अनुसार कीजिए, और एक समय बना लीजिए। ये नहीं कि कभी 4 बजे शुरू किए तो कभी 5 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, ऐसे एक निरंतर नियम से। और ध्यान रखिए कि सुमिरन के समय बाहरी और आंतरिक दोनों शुद्धता चाहिए। उसके लिए आपको स्नान करना है, प्राणायाम इत्यादि करके भगवान को धूप दीप भोग लगा करके अब बैठ करके सुमिरन कीजिए। कोशिश कीजिए कोई एक वाद्य यंत्र का सहारा ले लीजिए, हारमोनियम बेस्ट है, नहीं तो मोबाइल पर तानपुरा आता है। अगर कोई पुरुष है तो सी शार्प डी शार्प चले जाइए, नहीं तो अगर कोई महिला है तो अपना जी शार्प ए शार्प इन सब पे लगा करके आप अभ्यास कीजिए, और उसी पर लगा दीजिए। तानपुरा बज रहा है मोबाइल के अंदर, आजकल रिधम आता है, उसी रिधम बजा दीजिए। आप उसी पर अपना नाम जप करना शुरू कर दीजिए, सुमिरन करना शुरू कर दीजिए, आप झूमने लगोगे। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान देना है। सिमरन से पूर्व कुछ खाना नहीं, अगर रात्रि में सायंकाल सिमरन करते हो तो भी अच्छा है, क्योंकि सिमरन का महत्व दो समय बहुत प्रबल है, प्रातः काल और शाम सायंकाल, दोनों संध्या वेला में बहुत उपयोगी है, बहुत सार्थक है, तो किया जा सकता है। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप साधना करने जा रहे हो, सुमिरन करने जा रहे हो, उससे पहले थोड़ा भोजन वोजन का परित्याग करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, चाय कॉफी ऐसे कुछ लेते तो ले सकते हो। इस प्रकार से सुमिरन में उतरिए, सुमिरन आपके जीवन को बना देगा। सुमिरन ने कईयों को तार दिया, तुकाराम ओ नाम देवनी विठल विठल गाया, अरे नटवर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, तुकाराम यो नाम देवनी बिठल बिठल गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जितने महान संत हुए इस कलिकाल में, सब लोग नाम सुमिर सुमिर करके संसार से धन्य हो गए। तो आप लोग भी नाम का आश्रय लेकर के जीवन को धन्य कर सकते हैं, हमें विश्वास है। चर्चा समझ में आई होगी, समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।